अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो है फिफ्थ लेक्चर हमारा HTML का उसको लेके हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कमेंट्स जो होते हैं वो हम HTML के अंदर किस तरह करते हैं। तो गाइस, HTML आपको पता होना चाहिए कि कमेंट हम सबसे पहले करते क्यों हैं, अपनी आसानी के लिए, कि जब हम कोड में कोई एरर आ जाए हमारा, या अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम किसी को कोई कोड समझाना चाह रहे हैं, या आप क्या कहते हैं डिबग करना चाह रहे हैं उसको, तो हमें वो ब्लॉक ऑफ कोड का पता होता है कि हमने इसके अंदर ये काम किया, तो हम उसको वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो वो कमेंट जो होता है वो हमारी कोड का पार्ट नहीं बनता, ठीक है, वो जस्ट हमारे यहाँ पे हमें इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पे ये अपने लिए एक की, आप उसे कह सकते हैं की सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपने ये इस की सेंटेंस को फॉलो करते हो, आपको पता चल जाता है कि ये वाला काम हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने नीचे जो है एक इमेज लगाई हुई है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो इस इमेज का मैंने बताना कि ये इमेज है, तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन डबल स्लैश सॉरी डैशेस डालते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास। अब इनके दरमियान यहाँ पे हम कमेंट करते हैं, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज इन HTML, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोई भी देखेगा तो बंदा उसको पता चल जाएगा कि इमेज इन PHTML मतलब HTML के अंदर यहाँ पे हमने इमेज लगाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने कमेंट्स जो होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, ये उसके लिए हम सिंटैक्स फॉलो करते हैं, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करें, एक्सक्लेमेशन साइन, डबल हमारे पास फिर आती हैं जो डैशेज हैं, और फिर उसके अंदर हम अपना लिखते हैं सारा, और देन हम जो है विदाउट एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो एंगल ब्रैकेट, ये हमारे पास जो डबल डैशेज है वो हम लगाते हैं। तो इस तरह से हम अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, अगर कोई इशू हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।